दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आचार्य शिव नारायण, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे कि हम सब जानते हैं आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो जो वर्ल्ड किडनी डे जो अपन सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह के अवेयरनेस होना चाहिए, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। अगर आप अपने किडनी का ख्याल रखेंगे तो किडनी आपका ख्याल रखेगी। तो किडनी को ख्याल रखने के कुछ नियम हैं, ये 8 नियम हैं जो बहुत साधारण से हैं, सिंपल हैं। पहली बात तो है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए आप कसरत कीजिए। अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी किडनी ठीक रहेगी। भोजन में नमक की मात्रा कम लीजिए। अगर आप भोजन में नमक ज़्यादा लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा चर्बी युक्त पदार्थ जो है वो ना लें, मोटापा ना हो। अगर मोटापा ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका असर किडनी पे होता है। नमक ज़्यादा लेते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पे खराबी आती है। जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, यह आज इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखने में मिल रही है। 40% एडल्ट्स डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और जिनको डायबिटीज़ होता है उसमें कोई 40-44% डायबिटिक्स जो हैं उनकी किडनी पे असर होता है। इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल करें, आपका ब्लड शुगर जो है वह नियमित रूप से चेक करें, और जिनको डायबिटीज़ है उन्हें अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट बार बार करना चाहिए ताकि मालूम पड़ जाए कि कहीं किडनी पे असर तो नहीं हो रहा है। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ हो और किडनी की बीमारी हो उन्हें किडनी पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह पाया गया है कि जिनके फैमिली में किडनी की बीमारी है उन्हें किडनी की बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ज़्यादा पेन किलर्स ना ले, दर्द की दवाइयाँ या फिर वह आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें कि भस्म होते हैं वह किडनी को डैमेज करती है। कई बार लोगों को कहीं बदन दर्द, पीठ दर्द, पाँव में दर्द होता है। महिलाओं में जब महीना आता है, मासिक पारी आती है, तब वह दर्द की दवाइयाँ लेती हैं और कुछ दिन लेके बंद कर देते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक दर्द की दवाइयाँ लें तो वह किडनी को डैमेज करती है। जिनकी किडनी की बीमारी ऑलरेडी है और वह अगर दर्द की दवाई लेते हैं तो किडनी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह से जब कोई तरह के प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, कई बार आजकल हार्ट की बीमारी काफ़ी कॉमन है और एंजियोग्राफी करना पड़ता है। एंजियोग्राफी में एक तरह का इंजेक्शन देते हैं, उसे कहते हैं रेडियो कॉन्ट्रास्ट, और रेडियो कॉन्ट्रास्ट जो है वह किडनी को डैमेज करती है। तो इसलिए जब भी कोई हार्ट के डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसके पहले किडनी के ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। अगर उसमें कुछ खराबी हो तो उसके मुताबिक दवाइयाँ और रेडियो कॉन्ट्रास्ट जो है उसका डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। यह कुछ सिंपल बातें हैं जिसके ऊपर में आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। यह देखा गया है कि खास करके नागपुर शहर में और मध्य भारत में तम्बाकू का चलन बहुत ज़्यादा होता है, खर्रा, और खर्रा खाने से भी किडनी में डैमेज होता है। खर्रा, तम्बाकू, स्मोकिंग, इससे किडनी में जो खून की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वह कम हो जाती है और धीरे धीरे किडनी डैमेज होती है। तो जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उनको तो खर्रा और तम्बाकू वगैरह लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह किडनी को आगे डैमेज करती है। ये खर्रा, तम्बाकू, स्मोकिंग, यह न केवल किडनी को डैमेज करती है बल्कि इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट पे भी असर होता है, आँखों पर भी असर होता है। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें चाहिए कि वह समय समय पर अपनी आँखों का चेकअप करें। क्या होता है कि डायबिटीज़ के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी होती है, और यह देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ से आँखों पर असर होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उनको किडनी में भी असर होता है, और वैसे ही जिनको किडनी पर असर होता है उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है। इसलिए किडनी के डॉक्टर हमेशा आँखों का, रेटिना का जाँच करवाते हैं।
तो यह छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बतलाया, वह मुझे लगता है कि अगर इस पे आप लोग अमल करें तो किडनी की बीमारी से बचा जा सकता है। सर, ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने कोरोना काल में ज्यादा स्टेरॉइड लिया हुआ है, जिनकी बैठी जीवन शैली है, जो प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा इंटेक करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम उनके किडनी पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। आपका पहला सवाल का जवाब दे दूं मैं, जो यंगस्टर्स हैं वह कई बार, आजकल क्या हो गया है कि हमारी घर में यह मोबाइल टेलीविज़न वगैरह आने के कारण हम ज़्यादातर सोफे में रहते हैं, सोफा में बैठ के टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कसरत कम हो गया है, इसलिए मोटापा हमारे समाज में बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र हुई या नहीं हुई, पेट बाहर निकलने लगता है और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो चर्बी युक्त पदार्थ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, समोसा वगैरह, तो उसमें न केवल फैट ज़्यादा होता है बल्कि नमक भी ज़्यादा होता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर का असर डायरेक्ट किडनी पे पड़ता है, आँखों पे पड़ता है, ब्रेन पे भी पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो व्यक्ति भूलने लगता है, कई बार ब्रेन में हेमोरेज हो सकता है। और हम देखते हैं कि जिसको किडनी पे डैमेज होता है उनको कई बार लकवा लेकर आते हैं या हार्ट अटैक लेकर आते हैं, ब्लड प्रेशर आसमान को छू रहा होता है। तो इसलिए जो जंक फूड है उस पर ख्याल करें। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि कोविड कोरोना के कारण डायबिटीज़ का होना, क्या होता है कि कोविड जिनको हुआ है उन्हें स्टेरॉइड्स और कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने के बाद में साधारणतः जैसे कोरोना निकल जाए तो वैसे ब्लड शुगर कम भी होता है, लेकिन अगर दवाइयाँ लंबे समय तक चलती रही तो फिर इनका ब्लड शुगर हमेशा के लिए बढ़ा रहता है और उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है और उसके कारण किडनी पे अल्टीमेटली असर हो जाता है, जैसा मैंने आपको बतलाया है। जिन्हें डायबिटीज़ हो गया उन्हें समय समय पर पेशाब की जांच करनी चाहिए और पेशाब में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं यह देखना चाहिए। अगर पेशाब में प्रोटीन जाना चालू हो गया तो इसका मतलब यह है कि किडनी में पक्का असर आना चालू हो गया है। ये किडनी को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो इस अवसर पर आपका क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए? मेरा मैसेज है किडनी का ख्याल रखिए, किडनी आपका ख्याल रखेगी। तो आप इन जो भोजन में नमक के बारे में बताया मैंने, फैट के बारे में बताया, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, तो फिर दर्द की दवाइयाँ ना लें, अल्कोहल सीमित रखें, तम्बाकू ना लें, स्मोकिंग ना करें, तो ये चीज़ें पे अगर ख्याल रखेंगे तो आप किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। किडनी प्रत्यारोपण यह दो तरह की होती है। एक तो जिंदा व्यक्ति से अपन किडनी लेते हैं, घर में माँ पिताजी भाई बहन बीबी हस्बैंड जो स्वस्थ हैं वो अपने दोनों किडनी में से एक किडनी दान में दे सकते हैं, अथवा जो व्यक्ति जिनको मस्तिष्क मृत हो जाते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन अटैक हो गया, तो उसके कारण भी कई बार मस्तिष्क मृत व्यक्ति जिनका जीना असंभव होता है उनके ऑर्गन्स निकाल कर हम उन व्यक्तियों को देते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। जैसे जिनको हार्ट फेल्योर है उनको हार्ट दिया जा सकता है, जिनका लंग्स या फुफ्फुस खराब है उनको ऐसे मस्तिष्क मृत व्यक्ति से फुफ्फुस दान किया जा सकता है, लीवर दान किया जा सकता है और किडनी भी दान की जा सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जो मस्तिष्क मृत हो चुके हैं, जिनको एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डेथ हो गए, तो उनकी दोनों किडनी दो व्यक्तियों को ज़िंदगी बचा सकती है। तो हमारे समाज में यह एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई कारण से, खुदा न खास्ता, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जिसमें व्यक्ति की जान चली जाती है, खास करके एक्सीडेंट में, तो फिर ऐसे व्यक्ति अपने ऑर्गन अंग दान कर सकते हैं और कई व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं।
किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात उनको दवाइयां हमेशा जिंदगी भर लेनी पड़ती है, और ऐसे व्यक्तियों को जिनको किडनी प्रत्यारोपण हो चुका है या कोई और अंग प्रत्यारोपण हो चुका है, उन्हें ऐसी दवाइयां मिलती है ताकि वह ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, लेकिन इससे बदन की प्रतिरोधक शक्ति भी कम होती है, तो उन्हें बुखार, पतली दस्त या कोई तरह की संक्रामक बीमारी हो सकती है, तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, भोजन में परहेज करना चाहिए, और उनके लिए भी वही नियम लागू होते हैं जो मैंने स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया कि डायबिटीज़ कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, साफ़ सुथरे वातावरण में रहें, तम्बाकू ना लें इत्यादि। ठीक है, आप सब लोगों को विश्व किडनी दिवस पे शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, किडनी ठीक रहिए, आप भी ठीक रहिए। थैंक यू।